और जितने भी लोग हैं थोड़ा गेप आप लोग दे दें, पीछे तक हो जाएं, क्योंकि जुम्बा ऐसे नहीं होता है, थोड़ी आप लोगों की एक्सरसाइज भी होगी। गोली दवाई खाने से बेहतर है कि हम थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा योगा कर लें, हमारा मकसद यही है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो कि हमारे इस मतदान प्रक्रिया में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भाग लेते हैं या मतदान करवाते हैं, या फिर जो है हमारे नए वोटर्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं, सभी से मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को एंजॉय करें। ये जो महिलाएं सेल्फी ले रही हैं बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि इसीलिए हमारा ये सेल्फी जोन बनाया गया है कि आप लोग इस सेल्फी जोन में सेल्फी लें। थोड़ा गेप और इस तरफ आ जाएं, जो लोग भी हैं ऐसे सामने आ जाएं, सामने एकदम प्लीज। और बांटने के लिए यहाँ उपस्थित है उस विभाग की तरफ से आप सभी को एक एक केप प्रदान की जाएगी, जो भी सही आंसर देगा, और गलत वाले से जुर्माना तो नहीं, लेकिन वो सही आंसर ध्यान रखे और उसका फिर आगे पालन भी करे। थैंक यू। बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाउस द जोश, हाय सर, 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 जय हिंद, जय हिंद। कृष्णा नगर निगम के साथ मिलके जिला प्रशासन ने किया है, इसी के बहाने रंगपंचमी के अवसर पर रंगों के त्योहार में हम मतदान का भी त्यौहार, लोकतंत्र का त्यौहार भी मनाने के लिए ये उत्सव के रूप में आज यहाँ आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रकार के खेल की प्रतियोगिताएं, निर्वाचन से संबंधित, लोकतंत्र के संबंधित एक प्रश्नोत्तरी, और यूथ को जोड़ के हम पूरे जिले को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा के जागरूक मतदाताओं ने 84% मतदान करके पूरे जिले का नाम मध्य प्रदेश में गौरवान्वित किया था, हमारी अपेक्षा है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन और विधानसभा के उपनिर्वाचन में भी इस जिले के जागरूक मतदाता 100% मतदान करके देश के नक्शे में छिंदवाड़ा का नाम सर्वाधिक मतदान करने वाले जिले के रूप में दर्ज करा सकते। यूथ वोट है, वोट जो आपके जो यंग लोग हैं इनकी ताकत को पहचानने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि छिंदवाड़ा जिले के जो भी मतदाता हैं, जो वोटर लिस्ट में इनकॉर्पोरेट है, उन सभी को 29 अप्रैल 2019 को बूथ पर जाकर वोट देने का एक तरह से संदेश है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन पिछले निर्वाचनों में 79.4 और 84.3% वोट छिंदवाड़ा जिले ने डाला था, उससे आगे बढ़ करके अधिक से अधिक संख्या में वोटर्स मतदान केंद्र में आए और वोट करें, जिससे कि देश का नाम प्रदेश में और देश में रोशन हो सके। पंचमी के अवसर पर छिंदवाड़ा में राहगिरी पे चुनाव भविष्य में जो होने वाला है 29 को, उसको लेके जो युवा वर्ग है उसमें बहुत जोश है, और उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और उनको चुनावों में अपनी 100% भागीदारी के लिए आज यहाँ पर एक आयोजन नगर निगम और जिला प्रशासन ने रखा था। इसमें हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग इसको लेके, चुनाव को लेके उत्साहित हों और सबको प्रेरित करें, और यूथ जो है वो सामने आए और जो एक लोकतंत्र का महापर्व है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मताधिकार का 100% प्रयोग करें।
इसी भावना को लेकर आज एक आयोजन यहाँ पे रखा गया है और उसमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो पिछले हमारे मतदान के आंकड़े थे उसको इन तरह के आयोजनों से हम लोग उसको भी आगे बीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। महाव्यवहार जो कि लोकसभा इलेक्शन 2019 में होने वाले हैं, इसी को हमने जो है होली के त्यौहार रंग पंचमी के साथ हमने जोड़ा है और जो हर वीक नगर निगम राहगिरी आयोजित करता है, हमारा ये प्रयास था कि इसमें अधिक से अधिक यूथ को बुला के एक क्वेश्चनायर का आयोजन किया जाए, साथ ही लोकसभा इलेक्शन के बारे में जागरूकता लाई जाए और जो हमारा वोटिंग परसेंटेज ये मान के चलिए कि छिंदवाड़ा में अधिकतम रहता है और हमारा यह प्रयास है कि इस बार फिर 90% हमारा जो है इलेक्शन में वोटिंग हो और अधिक से अधिक मतदाता इसमें भाग लें और इसे भी हमने एक महात्यौहार जो कि नाम दिया गया है महात्यौहार लोकसभा इलेक्शन लोकसभा के लिए हमने तैयारी के लिए जो है एक हमने यह प्रयास किया है ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और मतदान में भाग लें और छिंदवाड़ा वोटिंग में भी नंबर वन बने। छिंदवाड़ा शहर में एक काफ़ी अच्छा आयोजन किया गया होली का पर्व जो हमने अभी लेटेस्ट मनाया, उसके लिए जो आज विशेष पर्व है रंगपंचमी, इसको हमारे यहाँ पे चुनाव से जोड़ा गया है। मतदाता जागरूकता के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास जो है हमारे जो लोकल लेवल के अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया है। इसमें आप देखेंगे जैसा आपने देखा काफ़ी यूथ यहाँ पे आपको मिला और जो क्वेश्चनरी आपके द्वारा यहाँ पे की गई उनसे वो काफ़ी बेहतर रहा, मतलब ये एक तरीके से कहना चाहिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक वोटिंग। जैसा कि आपने पिछले चुनाव में देखा था कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में जो मतदाता मतदान का प्रतिशतता काफ़ी अच्छा रहा था, उसी को हम दोबारा अपने लोकसभा चुनाव और विधानसभा के जो है बीच वाला जो चुनाव होता है उसके लिए हम वोटर्स को एक्टिव कर सकें उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट द्वारा किया। छिंदवाड़ा फिर से फर्स्ट आए, इसी शुभकामना के साथ सबको मतदान की बहुत बहुत बधाई है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और लोगों को भी प्रेरित करें। रंग बहुत मस्त रहा, हमने पंचमी में सभी लोग इकट्ठे हुए, ये प्रोग्राम का मतलब एक महत्व था कि सभी लोग को यहाँ पे आके जागरूक करना है मतदान करना है। ऐसे युवक युवतियाँ ऐसे भाई दोस्त जो भी 18 साल के हो चुके हैं आने वाले समय में होने वाले मतदान में अपना योगदान जरूर दें, ये हमारे लोकतंत्र का ऐसा पर्व है जिसमें हमें आहुति देनी चाहिए। यदि हम इस बार चूके तो हम एक अच्छी सरकार बनाने से चूक जाएंगे, तो सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपने एरिया के जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ 100% मतदान का वो करें, चाहे 18 साल के नए युवक हों चाहे वृद्ध हो चाहे विकलांग हो, सबके लिए सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएँ की है तो सभी का फायदा उठाए।